हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हेलो क्रिएशन में। आज मैं साइंस का प्रैक्टिस शीट नंबर 4 लेके आया हूँ। अगर आपने हमारा प्रैक्टिस शीट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है, आप जाके उसे मेरे चैनल में देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे वाली आने वाली वीडियो आप सभी के पास पहुँचे सबसे पहले। क्योंकि मैं डेली ऐसी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी सलाह देना न भूलें। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है सभी NCERT से लिए गए हैं, जो CHS में अक्सर आते हैं, वही हमने क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। सोशल साइंस का हमने प्रैक्टिस सेट नंबर अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने 514 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर 81 क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर को आपको क्लासिक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, तो मैं आपका इसका को PDF भेज दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड केमिकल प्लांटिंग, मेटल कोटिंग, इलेक्ट्रोल प्लांटिंग। ऑल ऑफ द, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड केमी कम प्लांटिंग, मेटल प्लांटिंग, इलेक्ट्रोल प्लांटिंग। ऑल ऑफ दिस में आपका ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रोल प्लांटिंग सही होगा। आइए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजली बाय फ्रिक्शन, प्लास्टिक स्केल, कॉपर रॉड, इनफ्लेटेड बैलून, वूलन क्लॉथ। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 कॉपर रॉड से। अगर वीडियो चली वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको क्लासिक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूँगा। भाई हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, क्या कर, व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड एंड क्लॉथ बोथ अक्यूर पॉजिटिव चार्ज, बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज ए निगेटिव चार्ज एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर निगेटिव चार्ज बिकम्स निगेटिवली चार्ज वाइल क्लॉथ है जे पॉजिटिव चार्ज। जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 बिकम पॉजिटिव चार्ज वाइल द क्लॉथ है जे निगेटिव चार्ज। जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज था लेकिन क्लॉथ हमारा निगेटिव चार्ज। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन इज स्टैंडिंग 1 मीटर अवे फ्रॉम ए प्लेन मिरर, ए पर्सन इज स्टैंडिंग 1 मीटर अवे फ्रॉम ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड हिज इमेज विल बी 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। एक बार हम क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। नन ऑफ दिस एक ऑप्शन है या क्या क्वेश्चन करता है, ए पर्सन स्टैंडिंग 1 मीटर एक प्लेन मिरर से, डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड हिज इमेज क्या होगी, 2 मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर की डिस्टेंस है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू टच एन ऑब्जेक्ट विथ राइट हैंड
इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दाहिने हाथ से फ्रंट में रखे हुए प्लेन मिरर से छूते हैं, इट विल सीन इन द मिरर यू हैव टच्ड द ऑब्जेक्ट विथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड नन टच्ड इन्वर्टेड। इसमें आपका ऑप्शन नंबर वन लेफ्ट हैंड सही होगा, बाएं हाथ से। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। वेन यू सी इन डीम लाइट द साइज ऑफ पपिल्स बिकम स्मॉलर रेमेन्स द सेम लार्जर नन ऑफ दी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर थ्री लार्जर सही होगा। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको ऐसी वीडियो जो कि मुझे मिलती रही, अगर आपको क्लासिक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे अपना कमेंट के माध्यम से अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। अगर ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए अपने सीएचएफ प्रिपरेशन के लिए। अरे देखते हैं क्वेश्चन हमारा बिना समय गवाए। द नाइट बर्ड्स हैव इक्वल कॉन्स एंड रॉड्स, मोर कॉन्स एंड फ्यू रॉड्स, मोर रॉड्स एंड फ्यू कॉन्स ऑल ऑफ दी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर थ्री मोर रॉड्स एंड फ्यू कॉन्स सही होगा। अरे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज समटाइम्स अंडर स्पेशियल कंडीशन नेवर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर वन ऑलवेज सही होगा, हमेशा रहता है। साइन आई बराबर साइन आर जिसे हम लोग कहते हैं, अगर कोई रे यहाँ से आई पड़ी तो उतना ही फ्रिक्शन है। हम क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज्ड वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और है देख सकते हैं हमारा रियल एट द सरफेस ऑफ द मिरर एंड इन लार्ज रियल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इसमें आपका ऑप्शन नंबर वन सही होगा। वन में क्या है आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर वन क्या कहता है, टू वर्चुअल होगा बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, एन एस्टेरॉयड ए सैटेलाइट ए कॉन्स्टेलेशन ए कॉमेट। इसमें आपका ऑप्शन नंबर टू सही होगा, एक सैटेलाइट। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट ऑफ द सन, साइरस मरकरी सैटर्न अर्थ। इसमें आपका ऑप्शन नंबर वन साइरस सही होगा, जो सूर्य का प्लैनेट नहीं है। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, 0.1 सेकंड एंड 4 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज एंड 4 सेकंड, 0.1 सेकंड एंड 10 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज एंड 10 सेकंड। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 0.1 सेकंड एंड 10 हर्ट्ज सही होगा। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लैनेट विच इज द फार्थेस्ट फ्रॉम द सन इज नेपच्यून यूरेनस सैटर्न जुपिटर। क्या क्या है, नेपच्यून यूरेनस सैटर्न जुपिटर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर वन नेपच्यून सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, नेपच्यून यूरेनस जुपिटर प्लूटो। इसमें आपका ऑप्शन नंबर फोर प्लूटो सही होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करें,
और कमेंट तो कर दें अगर आपको क्लास सिक्स की वीडियो चाहिए, और अगर आपको और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। यह सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा, मुझे पता है आपकी सीएचएस प्रिपरेशन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो आप पूरे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा दोस्तों, इसीलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो कि मेरी आने वाली ऐसी वीडियो और प्रैक्टिस सेट आप सभी के पास पहुंचते रहे सबसे पहले। अगर आपको अच्छा लगे तभी भी आप तभी सब्सक्राइब करें, अगर न अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे रियल अपने हर्ट्स की बात को बताइएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं। पंचानवे, द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर इज अर्थ, साइरस, मार्स, मरकरी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 मार्स सही होगा। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर टू फॉर्म ए पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज ए प्लैनेट, कॉन्स्टेलेशन, एस्टेरॉयड, मेटियोर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 कॉन्स्टेलेशन सही होगा। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक से लेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट इज नोन एज सेटेलाइट, कॉन्स्टेलेशन, एस्टेरॉयड, मेटर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सेटेलाइट सही होगा। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम, 8, 9, 10, 7। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 8 सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन सही होगा। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर, रिवर्स ऑर्डर वाटर, फिर क्या है, पोटेबल वाटर, फिल्टरेड वाटर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 पोटेबल वाटर सही होगा। अगर आपको भी हमारा अगला क्वेश्चन कल का जो पीडीएफ हम बनाएंगे और आपको वीडियो लाएंगे, इसमें आपका ये रहेगा क्वेश्चन क्या है, आप इसका आंसर जरूर देख के मुझे कर, अगर आप वीडियो शुरू होगा तो आप मुझे बता देंगे, बता देंगे वीडियो शुरू होने से पहले। जैसे ही आप पहला वीडियो में बोलता रहूँगा कि हेलो दोस्तों, तब तक आप मुझे पता है आप इसे बता सकते हैं इसका आंसर क्या, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। गंगा एक्शन प्लान वाय लॉन्च इन स्पेयर, मेरा क्वेश्चन है, आपको आंसर कल बताना है। और मैं अगर अगले दिन जब इसका प्रैक्टिस सॉल्व कराऊँगा तो मैं इस क्वेश्चन को लूँगा और आपको सॉल्यूशन भी कराऊँगा कब लॉन्च हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसी समय आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारे चैनल हेलो अंकुर क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर दोस्तों नए हों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तभी भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। जैसे कि मुझे एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट्सअप शो हो रहा है, व्हाट्सअप नंबर आता है यहाँ पर देखिए मिला है, और यूट्यूब व्हाट्सअप यूट्यूब है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिला है मुझे एक व्हाट्सअप नंबर। अगर आपको भी चाहिए, अगर आपको भी ऐसे पीडीएफ चाहिए तो आप देख सकते हैं मेरे पास व्हाट्सअप, आप भी देते रहिए। और अपनी सीएचएस की कैसी तैयारी चल रही है मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आपको ऐसी वीडियो है मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।